करनाल में सोमवार को जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की विकास सदन में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अध्यापकों को कहा कि गुरु के लिए शिक्षा प्रदान करना पुण्य का कार्य है और देश के लिए बड़ी सेवा है, क्योंकि शिक्षक के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत को शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु का दर्जा हासिल था और यह सम्मान केवल शिक्षकों की बदौलत ही हासिल हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक अच्छे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में अपेक्षाकृत कम योग्यता के टीचर होने के बावजूद उनके परीक्षा परिणाम राजकीय विद्यालयों की तुलना में बेहतर रहते हैं। यह चिंता का विषय है। शिक्षकों को बेहतर परिणाम लाने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उनकी जो समस्या होगी उसका समाधान विभाग करेगा। उन्होंने यह निर्देश दिए कि अधिकारी ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करें जहां भवनों की मरम्मत व अतिरिक्त कमरों के निर्माण की तुरंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित ग्राम पंचायत सक्षम युवाओं की मांग कर सकती है, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यापकों की रीजनलाइजेशन की शक्तियां भी जिला स्तर के अधिकारियों को प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्लस्टर स्तर पर इस तरह की लैब स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसी लैब में अध्यापक उपकरण सहित विज्ञान के प्रयोग के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्कूली छात्राओं को सहकारी समितियों की बसों में पास सुविधा से संबंधित समस्या के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा मामला उनके ध्यान में नहीं है और कहीं इस प्रकार की समस्या है तो उसकी जांच करवाकर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के गरीब परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को IIT व अन्य व्यवसायिक कोर्सों की तैयारी के लिए निजी संस्थानों के सहयोग से निशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से जिले के स्कूलों के परिणामों में निरंतर सुधार हो रहा है और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। सक्षम प्रोजेक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जुलाई 2017 में जिसका इनॉग्रेशन किया था, इस प्रोजेक्ट के अंडर टारगेट ये रहा है कि 80% बच्चे ग्रेड लेवल कम्पिटेंट हो बाय 2019। महोदय, इसमें से 107 ब्लॉक्स ऑलरेडी सक्षम डिक्लेयर किए गए हैं आउट ऑफ 119 ब्लॉक्स हरियाणा राज्य में। 86% बच्चे ग्रेड लेवल कम्पिटेंट जुलाई में सक्षम समारोह में डिक्लेयर किए गए थे। इसी के साथ साथ सक्षम 2.0 भी मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किया, जिसका टारगेट ये रहेगा कि 80% बच्चे 3 से 8 ग्रेड में सारे सब्जेक्ट्स में सक्षम रहे और राज्य के टॉप 5 रैंक्स में जैसे असर में हमारा हम आदेश देते हैं कि छोटी सी बैठक जिला शिक्षा टीम के द्वारा जो प्रयास हमारे शिक्षा के स्तर को और ऊपर ले जाने के किए जा रहे हैं उसके बारे में एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और उसके बाद कुछ मेधावी छात्र और जो जिन विद्यालयों का रिजल्ट अच्छा रहा है उनके प्रधानाचार्यों को भी आपके साथ हम लोग के द्वारा आज हम सर्टिफिकेट के माध्यम से पुरस्कृत करने का निवेदन करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आग्रह करूंगा कि जिला शिक्षा अधिकारी अपना स्वागत अभिभाषण दें और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है उसको तुरंत चलना। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।